हेलो लव यू वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एजुकेशन कैंप एवं आम डिस्कशन करिबा दशम श्रेणी रो ज्यामिति अनुशीलनी 1C तो पिला माने पूर्वर आम 1B डिस्कशन करथिले तो ए वीडियो रे आम 1C डिस्कशन करिबा तो तुम मैंने जदि मो पूर्व वीडियो गुड़ी को देखिला ताहले मो चैनल रे अवेलेबल अछि तुम मैंने मो चैनल को गले से वीडियो गुड़ी को सब देखि परिबो नचे तुम मैंने मध्य मो चैनल को जाइकी प्ले लिस्ट को गले तो प्ले लिस्ट रे मध्ये तुम्हें माने सब वीडियो गुड़ी को एक सांगरे पाई परिबो जदि तुम मनकर अलजेब्रा रो वीडियो मध्ये दरकार तले अलजेब्रा रो मध्ये मु वीडियो अपलोड करी छी तुम्हें माने मो प्ले लिस्ट को गले सेई गोटी अमर लेखा हेतिबो 10th क्लास अलजेब्रा सेई तुम्हें माने अलजेब्रा रो सब वीडियो गुड़ी को पाई परिबो आ जदि जेमोट रे सब वीडियो पाए पई चाहुंचो समस्ते ताहले तुम्हें माने मध्ये सेठी मध्ये लेखा हेतिबो 10th क्लास जेमोट रे सेई प्ले लिस्ट को गले तुम्हें माने मध्ये से गुड़ी को सब पाई परिबो बुझीगला तो पे मैंने डेरी करें स्टार्ट करवा तो स्टार्ट करने पूर्व समस्त मुझे रखुच्छे कि चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करना तो समस्त पे सब्सक्राइब करदेव और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेव कहीं जिते बड़े भी तुम मानी वीडियो नहीं आसबि तुम मैंने जब ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें तुम पाखे वीडियोटी संगे संगे तार नोटिफिकेशन पहुँची जब मुझे वीडियोटी नहीं आसबि एवं जो पिला माने मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे ना समस्त पिला माने जॉइन हे जीवो टेलीग्राम रो लिंक मो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दे छी ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दे छी नचे तुम माने मध्ये टेलीग्राम को जाई कि मो चैनल को तुम माने जदि सर्च करिवो सेथिने मध्ये तुम मानकर पळे आसीबो ताकु तुम माने ओपन करिकि हमरो तळे गोटे जॉइन ऑप्शन आसीबो से जॉइन ऑप्शन को तुम माने क्लिक करिकि हम चैनल रे जॉइन हे परिवो हैला सर्च करिवो कोन हम चैनल रो नाम मैथ एजुकेशन कैंप हैला तो सेथिने मध्ये पळे आसीबो तो आरंभ करिबा देखिबा हमरो 1C रो एक नंबर कौन रही छि प्रश्न देख पिले माने अनुशीलनी 1C रो क विभाग जोटा कि एक नंबर प्रथम रही छि देख प्रथम प्रश्न कौन देला देख एक नंबर दे बंधनी मध्य ठीक उत्तर कि उत्तर टी बाछिक शून्य स्थान पूरण कर तो ये कौन कही कौटा आम ठीक आंसर हम ताको से अनुसार लिखापी कही आई रे कौन ना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ मध्य ए कोण इज इक्वल टू डी कोण एवं बी कोण इज इक्वल टू ई कोण तबे ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एवं डी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर हेले ई एफ टा केते हबो तो ये पिला माने यार आंसर केते हबो यार आंसर हिजबो हमर केते 12.5 हला ए ऑप्शन डा हमर राइट हबो 12.5 एटी 12.5 बोली लिखिदेव बुझीगला तापर नेक्स्ट है सेकेंड ए कौन देला ना त्रिभुज ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और सी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज पी क्यू आर ए पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और पी क्यू आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर तेल पी आर इज इक्वल टू केते सेंटीमीटर है त्रिभुज ए बी सी ए त्रिभुज पी क्यू आर गोटे सदृश कोणी हे तो ये आम आंसर कौन हम ना आंसर होमर 16 है पी आर आम जब 16 सेंटीमीटर हम नेक्स्ट है थर्ड आई प्रश्न त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर मध्य बी कोण सर्वसम क्यू कोण तेल त्रिभुज ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तेल त्रिभुज पी क्यू आर री क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल हो 48 वर्ग सेंटीमीटर है त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल केते वर्ग सेंटीमीटर हेबो देखो यार राइट आंसर केते हिजबो राइट आंसर हिजबो 108 बुझीगला केते लिखिबो 108 वर्ग सेंटीमीटर नेक्स्ट हला आई भीरा प्रश्न त्रिभुज ए बी सी रे ए बी सी कोणर समद्विखंडक ए सी बाहू को पी बिंदु रे छेद करे तले ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हेले ए पी अनुपात ए सी केते हेबो ए पी अनुपात ए सी केते हेबो 4:7 बुझीगला नेक्स्ट हेला देख भीर प्रश्न दुईट समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात हूँ 16:25 हेले से ही त्रिभुज द्वयर अनुरूप जोड़ार दैर्घ्यर अनुपात केते हेबो तो ये केते हेबो राइट आंसर होते 4:5 केते 4:5 नेक्स्ट हेला भि आई प्रश्न पार्श्वस्थ चित्र रे बी कोणर परिमाण इज इक्वल टू 50 डिग्री एवं बी डी सी कोणर परिमाण इज इक्वल टू 100 डिग्री ओ त्रिभुज डी बी सी सर्वसम त्रिभुज सी बी ए हेले ए सी बी कोणर परिमाण केते हेबो तले ए सी डी कोणर परिमाण हमर केते हिजबो यार आंसर हिजबो राइट आंसर 70 डिग्री केते हेबो 70 डिग्री बुझीगला नेक्स्ट देख भि आई गला भि सेकेंड आई
देख कौन देला ना पार्श्वस्थ चित्र रे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी रो क्षेत्रफल समान हेले बी ओ सी त्रिभुज सर्वसम केते हेबो तले या सहित तो कोटा हमरो सर्वसम हबो सेटा हमको पचेरी छि वी सेकंड ए रे तो यार राइट आंसर हे जेबो कोन त्रिभुज ई ओ डी हैला हमरो कोन हबो ना ई ओ डी टा बी ओ सी सहित सर्वसम हेबो देख बी ओ सी एटा सहित हमरो कोटा हबो ई ओ डी हैला ई ओ टी ए त्रिभुजटा बुझेला तो तापर नेक्स्ट देखो भी आई आई गला भी सेकंड ए भी थर्ड आई देखो देला पार्श्व चित्र रे हमर कोन दे देला ना त्रिभुज ए बी सी रो ए ई बाहु ओ बी डी बाहु यथाक्रमे बी सी बाहु ओ ए सी बाहु प्रति विपरीत शीर्ष बिंदु रु लंब तेबे बी ई एम त्रिभुज सहित को त्रिभुजटा हमर सर्वसम हेबो तले इयर राइट आंसर कोन हि जिवो इयर राइट आंसर हि जिवो ए ई सी हैला ए ई सी त्रिभुज बुझेला तो तब नेक्स्ट देखो आई एक्स प्रश्न देला ना चित्र रे बी सी बाहु उपरिस्थ डी एक बिंदु हैला तले ए डी सी कोणर परिमाण सर्वसम होची बी ए सी कोणर परिमाण तले हेले सी बी इंटू सी डी केते हबो तले सी बी इंटू सी डी हमर केते हि जिवो एर राइट आंसर हि जिवो हमर ए सी रो स्क्वायर बुझेला ए सी स्क्वायर हि जिवो हमर राइट आंसर नेक्स्ट देख एक्स प्रश्न देला कि त्रिभुज ए बी सी रे बी ए सी कोणर समदिखंडक होची बी सी बाहु को एम बिंदु रे छेद करे तले ए बी आमर अनुपात ए सी इज इक्वल टू केते हबो ना 2:3 एवं बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हेले बी एम इज इक्वल टू केते सेंटीमीटर हबो तले बी एम टा केते सेंटीमीटर हे जिवो यार राइट आंसर हे जिवो केते राइट आंसर हे जिवो 6 केते हबो 6 नेक्स्ट देखो ये थिला हमर एक नंबर रो समस्त प्रश्न रो उत्तर नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर रो प्रश्न तो आई रे देला 2 नंबर आई रे देखो प्रश्न देला त्रिभुज ए बी सी रे ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एवं बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एवं ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज पी क्यू आर रे पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यू आर है 4 सेंटीमीटर और पी आर हो 7 सेंटीमीटर तले ए कोणर परिमाण जदि एक्स डिग्री हुए तले क्यू कोणर परिमाण वाई डिग्री हेले बी कोण सी कोण एवं पी कोण ओ आर कोणर परिमाण निर्णय करिया पई कहिछि तो देख प्रथम कौन कर चित्र को कर दल चित्र कर सला परे प्रथम कौन लिख ना यठार ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 व्यक्त 5 इज इक्वल टू 1/2 तापर ठीक सेमती लिख कि बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 तापर नेक्स्ट देख ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू 3.5 ए सी जगह पकईदे पी आर जगह 7 तेल हम पाईगले 1/2 से अनुसार हम पाईगले तेल यू कौन ना ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर जोटा कि आम पाईगले कौन ना त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर तेल उपपाद्य 5 अनुसार तेल ये हमें पाईगले कि बी कोण परिमाण इज इक्वल टू क्यू कोण इज इक्वल टू वाई वाई डिग्री तेल पी कोण प्लस ए कोण सरी पी कोणर परिमाण इज इक्वल टू ए कोणर परिमाण जोटा कि आम एक्स डिग्री बोली नहीं तले एठो हम पाइले कि सी कोणर परिमाण तले केते हबो 180 - x x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू r कोण तले एठो हम उत्तर मिल गेल हमको तले समस्या जानि पालो तापर नेक्स्ट देखो सेकंड एदा प्रश्न दै छी त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज डी ई एफ रे बी कोणर परिमाण सर्वसम ई कोणर परिमाण तले ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बी सी होची 6 सेंटीमीटर एवं ई एफ होची 9 सेंटीमीटर और डी ई होची 6 सेंटीमीटर तले त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल होची 20 वर्ग सेंटीमीटर हेले त्रिभुज डी ई एफ रो क्षेत्रफल निर्णय करो देखो तले यार केमिति हम क्षेत्रफल बाहर करबा प्रथम कोन करबो चित्र एमिति दुईटा कर दलो ए बी सी एवं डी ई एफ दुईटा त्रिभुज तापर कोन करबो लिखबो त्रिभुज ए बी सी ओ डी ई एफ रे बी कोण हमर सर्वसम ई कोण तले एठो हम पाई गले कि ए बी बाय डी इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2 व्यक्त को 3 तले एठो हम पाई गले सेमिति बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू 6 व्यक्त को 9 2 व्यक्त को 3 तले एठो पुनी पाई गले हम कोन ना ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ तीन जगह हमर सेम भरला तापर नेक्स्ट देखो हम कोन पाइले ना त्रिभुज ए बी सी सर्वसम सेमिति त्रिभुज डी ई एफ नेले उपपाद्य 6 अनुसार तले एठो हम पाई गले कोन ना त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल विभक्त को त्रिभुज डी ई एफ रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर तले एठो हम पाई गले हम कोन करबा तार मान गुडा कोइठी पके देबा तले पके देले त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल होची 20 वर्ग सेंटीमीटर तापर डी एफ टाक सेमती रखिले ए बी स्क्वायर जगह आम कौन पकईदे 4t² पकईदे जगह 9 पकईदे तो ये पकई सारापर आम समाधान करदे समाधान करदे ये हमको मिलगला त्रिभुज डी ई एफ रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू
कोड़े गुणन नौ विभक्त को चार ताल ये आम कौन करवा चार जी आपको काटदे चार पंचा कोड़े पाँच नुआ पैंचाश ताल पैंचाश वर्ग सेमिटर बुझीगला तेल ये आमर कौन ना सेकेंड आई सेकेंड आई प्रश्नर उत्तर नेक्स्ट है थर्ड आई रश्न दुईट सदृश त्रिभुज मध्य प्रथम क्षेत्रफल द्वितीयटर क्षेत्रफल नौ गुण हेले त्रिभुज दुईटर अनुरूप बाहुद्वयर अनुपात निर्णय कर तेल या कमी समाधान कर लिख कौन ना सदृश त्रिभुज द्वयर क्षेत्रफल अनुपात नौ अनुपात एक सेमकर अनुरूप बाहुर दैर्घ्यर अनुपात हो नर वर्गमूल अनुपात एक एकर वर्गमूल तेल से पाईगले तीन अनुपात एक तेल नेक्स्ट है आई भी प्रश्न देख तीन आई थर्ड आई आम सरीगला आई भी देख आई भी प्रश्न था चित्र बी ए सी कोणर परिमाण सर्वसम ए डी ई कोणर परिमाण तेल ए सी इज इक्वाल टू बारह सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वाल टू पंद्रह सेंटीमीटर है त्रिभुज सरी कोण ए डी सी कोणर क्षेत्रफल हूँ बतीस वर्ग सेंटीमीटर है त्रिभुज ए बी डी क्षेत्रफल निर्णय कर देखो या कमी समाधान कर प्रथम चित्र करदे चित्र कर सारापर लिख कौन ना यार बी ए सी कोणर परिमाण सर्वसम ए डी सी कोणर परिमाण ए सी बी कोणर परिमाण सर्वसम ए सी डी कोण त्रिभुज ए बी सी सर्वसम तेज़ त्रिभुज ए सी डी तो यू आम पाईगले कि त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल बै त्रिभुज ए सी डी क्षेत्रफल इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बै ए सी स्क्वायर बुझीगला तो यू आम पाईगले त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल बै बतीस वर्ग सेंटीमीटर तापर आर भी मान पकईदे पंदर स्क्वयर बै बार स्क्वयर तेल यूँ पाईगले कौन ना ये आपको समाधान जब करदे यहाँ केन स्क्वयर बै पाँच स्क्वयर तेल विभक्त तीन स्क्वयर बै तीन स्क्वयर इंटू फोर स्क्वयर तेल यूँ पाईगले पचीस विभक्त षोह तेल यूँ आम पाईगले त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल तेल केमती बाहर करवा तेल एति इज इक्वाल टू बाहर पचीस व्यक्त षोह तेल त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल केमती बाहर ना बतीस गुणन पचीस व्यक्त षोह तेल यही जो आम समाधान करदे षोह दुने बतीस तेल पचीस दुने पचास पचास वर्ग सेंटीमीटर तेल त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल आम केमती पाइबा ना त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल फेड़ाण त्रिभुज ए सी डी ए सी डी त्रिभुज क्षेत्रफल बुझीगला तो ए सी डीटा पाया ए बी सी ए सी डी त्रिभुज को आम माइनस करदे माइनस करदे ये आमको मिल जाव अठर वर्ग सेंटीमीटर बुझीगला तापर नेक्स्ट देख भी प्रश्न देला त्रिभुज ए बी सी ए बी हूँ पांच सेंटीमीटर बी सी सात एवं सी ए नौ सेंटीमीटर त्रिभुज पी क्यू आर सर्वसम त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए पी क्यू आर परिसीमा जब तेसठी सेंटीमीटर है तेल पी क्यू क्यू आर और पी आर निर्णय करने देख प्रथम देख लिखिदेव जहाँ जहाँ देखिए प्रथम ए बी इज इक्वल टू पांच सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू सात ए सी एम नौ त्रिभुज पी क्यू आर सर्वसम त्रिभुज ए बी सी तेल मनकर यूँ आम पाइले पी ए पी क्यू इज इक्वल टू फाइव एक्स सेंटीमीटर क्यू आर इज इक्वल टू सेवेन एक्स सेंटीमीटर पी आर इज इक्वल टू नाइन एक्स सेंटीमीटर तो यही आम पाइले कि फाइव एक्स प्लस सेवेन एक्स प्लस नाइन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री या जब आम मिसेद ट्वेंटी वन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री तेल एक्स इज इक्वल टू आम पाइव सिक्सटी थ्री बै ट्वेंटी वन इज इक्वल टू थ्री तेल पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स तेल एक्सटा आम मिल जाइए थ्री बोली तेल फाइव इंटू थ्री कैसे हम फिफ्टीन सेमती क्यू आर दे दीजिए सेवेन एक्स तेल सेवेन इंटू थ्री कैसे हो ट्वेंटी वन सेमती पी आर इज इक्वल टू दे नाइन एक्स तेल नाइन इंटू थ्री कैसे हो ट्वेंटी सेवेन सेंटीमीटर तेल सब बाहू गुड़ाक आमको मिलगला बास तापर नेक्स्ट देख भि आई रश्न देला त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर ए बी पांच सेंटीमीटर बी सी बार ए सी तेर एवं क्यू आर आठ हेले त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल निर्णय कर देख प्रथम चित्र करदेल तापर लिख कौन ना त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर तेल त्रिभुज ए बी सी रे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर तेल त्रिभुज ए बी सी समकोणी जहाँ कर्ण होची ए सी बाहु तेल त्रिभुजर क्षेत्रफल के हाफ इंटु ए बी इंटु बी सी तेल हाफ इंटु फाइव इंटु ट्वेल्व के ना तीस वर्ग सेंटीमीटर तेल यूँ आम पाईगले त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल बै त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बै क्यू आर स्क्वायर तेल यूँ आम पाईगले कौन यार मान बसईदे यार मान बसईदे बसईदे ये आमको मिले कैसे नाइन बै सिक्स तेल यूँ आम पाईगले त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल तेल केमती बाहर ना थ्री इंटु फोर बै नाइन जोटा कि आम नौ जब आपको आम कैनसल करदे ये आम हो एडा हो जिवो तीन तीन आमर नौ तीन एटा कर देले हेबो दस तले दस जो हो जिवो चालीस चालीस व्यक्त को तीन वर्ग सेंटीमीटर तापर नेक्स्ट देख भी सेकेंड आई प्रश्न देला त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर तेल त्रिभुज ए बी सी परिसीमा होची साठी सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होची एकाशी वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज पी क्यू आर परिसीमा होची अशी सेंटीमीटर हेले यार क्षेत्रफल केते
देख तार क्षेत्रफल बाहर करने केमी बाहर कर लिख त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर तेल यू आम पाईगले कौन त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल बै त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल इज इक्वाल टू त्रिभुज ए बी सी परिसीमार स्क्वायर बै त्रिभुज पी क्यू आर परिसीमार स्क्वायर तेल यू आम पाईगले कौन तार मान आम बसईदे मान बसईदे ये मिल 9/6 तेल से ही अनुसार आम कौन करवा त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल जब आम बाहर करवा केमती बाहर करवा ना 16 × 81 विभक्त 9 तेल या जब आम कैनसल करदे 9 × 9 = 81 16 × 144 वर्ग सेंटीमीटर बुझीगला 144 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ बाहर देख तेल एतिक आमर कौन एक नंबर और दुई नंबर समस्त प्रश्नर उत्तर पार्ट वन एतिक आम पे डिस्कशन करवा पार्ट टू या नेक्स्ट आसो 3 नंबर पाखु तो समस्ते जदि भिडी भल लगी निश्चित भाव में गोटे लाइक करदेव जदि कौटि किसी डाउट रही है तेल मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब जदि तुम्हार आउ कौन सब्जेक्टर क्वेश्चन आंसर वीडियो दरकार किंबा ओडिया हो इंग्लिश हो जहाँ भी साइंस हो जहाँ भी जदि तुम दरकार तेल मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब मु नेक्स्ट वीडियो निश्चित भाव में सियोर तुम्हें से गुड़िक नहीं आसवि थैंक यू फर वाचिंग बाय बाय।